और खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में चिकित्सक की लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतका के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह कालिका देवी को इलाज के लिए पचम्बा थाने के सामने संचालित पार्वती फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर 1:30 बजे उसे बच्ची हुई। परिजनों के मुताबिक देर रात अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने कालिका देवी के इलाज में लापरवाही बरती, जिसके बाद अचानक उसका पेट फूलने लगा। आनन फानन में अस्पताल के प्रबंधक ने महिला को रेफर कर दिया। इस बीच दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और नर्स अस्पताल छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्चा की जान चली गई है और इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जब महिला ने बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद देर रात जो है अचानक इलाज में लापरवाही बरती गई, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि देर रात जो है अस्पताल प्रबंधक की ओर से इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद अचानक से जो जच्चा बच्चा की स्थिति है बिगड़ने लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक की ओर से उन्हें रेफर किया जाने लगा और इसी दौरान जो दोनों जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा भी देखने को मिला। अस्पताल में मृतिका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। अस्पताल प्रबंधक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। भर्ती हुए 10 बजे। उसका पति का नाम क्या है? रणजीत जान। पेशेंट का मृत्यु हो गया है? मृत्यु हो गया, बच्चा का भी मृत्यु हो गया। अच्छा, जच्चा बच्चा दोनों का मृत्यु हो गया। तो आपका क्या कहना है, डॉक्टर के लापरवाही से हुआ? डॉक्टर के लापरवाही से हुआ। हम लोग को छोड़ देते तो हम लोग दूसरा हॉस्पिटल देखते हैं। इनको नहीं सकती था तो हम लोग उनको बोल देना चाहिए कि पर्सन अपन नहीं ठीक है, ले जाइए बाहर। लेकिन बोला नहीं, दोनों हम ठीक कर रखेंगे, जच्चा बच्चा दोनों सही दें। आप कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं? कल 10 बजे से भर्ती। कुछ नहीं है, पहले इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, जो कि हम लोग को बताया नहीं गया। ठीक है, ये पेशेंट आया था सुबह का 10 बजे, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, बच्चा खराब निकल गया। पेशेंट को इसमें लिख कर दिया गया था कि माँ बच्चा कुछ भी होगा, हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। तो पहले ही से इलाज हुआ था हार्ट का, बाद में पता चला बच्चा मृत्यु निकला 4 बजे। और माँ का जो उसका जो देहांत 4 बजे शाम और जो माँ का जो देहांत हुआ था वो आपका हुआ था रात का 12 बजे, जहाँ तक आपको पता चला। लोग ऐसा बोल रहा कि आपके यहाँ भी डॉक्टर नहीं अवेलेबल नहीं थे। मेरे यहाँ झारखंड के, ठीक है, गिरिडीह का छोड़िए, झारखंड के बेस्ट डॉक्टर है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर रूबी कुमारी, जो कि बीजू है। किनके इलाज से हो रहा था, मतलब कौन इलाज कर रही थी इस समय? डॉक्टर रूबी कुमारी और डॉक्टर पीनावदा भी इलाज कर रही थी। कब भर्ती हुए? 10 बजे। उसका पति का नाम क्या है? रंजीत जाधव। पेशेंट का मृत्यु हो गया है? मृत्यु हो गया, बच्चा का भी मृत्यु हो गया। अच्छा, जच्चा बच्चा दोनों का मृत्यु? तो आपका क्या कहना है, डॉक्टर के लापरवाही से हुआ? डॉक्टर के लापरवाही से हुआ। हम लोग को छोड़ देते तो हम लोग दूसरा हॉस्पिटल देखते हैं। इनको नहीं सकती था तो हम लोग उनको बोल देना चाहिए कि पर्सन अपन नहीं ठीक है, ले जाइए बाहर। लेकिन बोला नहीं, दोनों हम ठीक कर रखेंगे, जच्चा बच्चा दोनों सही दें। आप कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं? कल 10 बजे से भर्ती। कुछ नहीं है, पहले इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, जो कि हम लोग को बताया नहीं गया। ठीक है, ये पेशेंट आया था सुबह का 10 बजे, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, बच्चा खराब निकल गया।
पेशेंट को इसमें लिखकर दिया गया था कि माँ बच्चा कुछ भी होगा हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, तो पहले ही से इलाज हुआ हुआ था हार्ट का, बाद में पता चला बच्चा मृत्यु निकला 4 बजे और माँ का जो उसका जो देहांत 4 बजे शाम और जो माँ का जो देहांत हुआ था वो आपका हुआ था रात का 12 बजे जहाँ आपको पता चला। लोग ऐसा बोल रहा कि आपके एक भी डॉक्टर नहीं अवेलेबल नहीं थे। मेरे यहाँ झारखंड के, ठीक है, गिरिडीह का छोड़िए,